अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद असद खादरी ये पुलिस डिपार्टमेंट के एक कांस्टेबल है, जहाँ पर हम अमूमन देखते हैं कि तकरीबन पुलिस वालों को किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है और वो अपनी जिम्मेदारी को भी सही नहीं निभाते हैं। वहीं पर ऐसे कांस्टेबलों को देखकर अच्छा लगता है कि ऐसे लोग भी हैं जो जिनके दिलों में हमदर्दी है और उनके पास एक दर्द भी है। बहरहाल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के बाहर एक बुज़ुर्ग को खाना खिलाते हुए ये नज़र आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये रियल जिम्मेदारी है पुलिस की। अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस वालों के दिलों में दर्द नहीं होता, किसी के लिए हमदर्दी नहीं होती, या फिर इस तरह से वो अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, बताते बताते उनकी फितरत ही वो हो जाती है। बहरहाल, ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और हम तक भी ये वीडियो आई तो हम ज़रूरी समझे कि इस तरह की भी चीज़ें सामने लाएँ, वरना लोग कहेंगे कि क्राइम टुडे सिर्फ पुलिस के अगेंस्ट होता है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपके सामने रखते हैं, जो हकायक है वो आपके सामने रखते हैं। लोगों को कुछ गलत समझ में आता है, क्योंकि अगर पुलिस वाले अच्छा भी काम करें तो वो भी हम सामने रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे सामने अफसोस की बात यह है कि पुलिस की गलत ही चीज़ें सामने आती है, तो हम इसीलिए आपके सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं। अब्दुल खालिद खान की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका सर, ये उस्मानिया में जो है ऐसे लोग जो बेसहारा लाचार है, इन लोगों को अंदर भी आके आप लोग मदद करो, बाहर आके खाना दे दे रहे हैं, मगर यहाँ अंदर भी आइए। ऐसे लोग ना चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को आके आप लोग हेल्प करो, मदद करो, दुआ लग। ये लोग जो है बिल्कुल बेसहारा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग बाहर भी खाना बांट रहे हैं, यहाँ पे अंदर भी लाके जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को भी कपड़े ब्लैंकेट जो भी आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हो लाके लोगों को दो। लोगों को आके आप लोग खिला के प्यार वो करो। पानी दो जी, पानी पानी पानी